हमारे साथ कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें लगता है कि ये पहले हो चुका है। ऐसी कुछ चीज़ें जो देखने के बाद लगता है कि हमने ये चीज़ें पहले एक्सपीरियंस कर रखी हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरा पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने कोई स्पेशल पावर्स दिए हैं जिससे मुझे सब याद आ रहा है। और पुनर्जन्म पर बहुत सारी मूवीज़ भी हैं जो हमें ये सोचने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देती हैं कि क्या पुनर्जन्म होते हैं। पुनर्जन्म वाली बातें हमें बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, क्या पुनर्जन्म होते हैं, ये सवाल हमेशा हमारे मन में आता है। जहाँ हिंदू रिलीजन की बात करें तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन साइंस की बात करें तो वो फैक्ट्स और डेटा पर बिलीव करते हैं। और ऐसी एक मूवी है आई ओरिजिन्स। ये मूवी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो माइथोलॉजी और भगवान पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ फैक्ट्स और डेटा पर बिलीव करता है। लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसको भगवान पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से, डॉक्टर इयान ग्रे। वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी आंखें देख रहा होता है। इयान ग्रे एक साइंटिस्ट होता है जो कि आंखों पर रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद कहानी जाती है 8 साल पीछे, जहां इयान ग्रे एक PhD स्टूडेंट होता है। न्यूयॉर्क में उस दिन हेलोविन की रात थी और सब लोग हेलोविन सेलिब्रेट कर रहे थे। इवान भी उस दिन एक हेलोविन पार्टी में जाता है, लेकिन वो इस पार्टी से बोर होने लगता है तो वो सिगरेट पीने के लिए टेरेस पे जाता है। इयान को वहाँ पे एक मास्क पहने लड़की दिखाई देती है। इयान उस लड़की की आंखों में देखता है तो वह उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी आईज की तस्वीरें ले सकता हूँ। इयान उसकी आंखों की तस्वीर लेता है, फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों क्लोज होने लगते हैं और उनके बीच थोड़ी बातचीत भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एक बायोकेमिस्ट्री लैब में इयान काम करता है। वहाँ पर इयान का एक रिसर्च पार्टनर भी होता है जो उसके साथ काम करता है, और वहाँ एक लड़की भी होती है कैरन, जिसका इस लैब में आज पहला दिन था। फिर रात में इयान उस लड़की का फ़ोटोज देखता है, जिस लड़की के फ़ोटोज इयान ने उस हेलोविन पार्टी में लिए थे। उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था तो इयान उसका चेहरा देख नहीं पाया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इयान एक स्टोर में जाता है और अपने लिए कुछ खरीदता है। वो जो भी खरीदता है उसका बिल $11 होता है, और इयान के वॉलेट में भी $11 ही होते हैं। जब वो स्टोर से बाहर आता है तो नोटिस करता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। वो बिल देखता है तो उस पर डेट, टाइम सब कुछ 11 होता है। उसे हर जगह 11 ही दिखते हैं। वो जिस बस में चढ़ता है उस बस का नंबर भी 11 होता है। जब वो बस से वापस उतरता है तो उसे एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड दिखता है जिस पर एक लड़की की आंखों की तस्वीर होती है, और वो समझ जाता है कि ये उसी लड़की की तस्वीर है जिससे वो हेलोविन पार्टी में मिला था। वो अपने कंप्यूटर पर उस आंखों वाली लड़की का पता करता है तो पाता है कि उस लड़की का नाम सोफ़ी है और वो एक मॉडल है। फिर इयान ट्रेन से कहीं जा रहा होता है तो उसे उसके सामने वाली सीट पर सोफ़ी दिखाई देती है। सोफ़ी उसे देखकर कोई रेस्पॉन्स नहीं करती, वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसे जानती नहीं। फिर इयान सोफ़ी के पास जाकर बैठ जाता है। फिर इयान सोफ़ी को फॉलो करने लगता है और वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हैं। सोफ़ी इयान को बताती है कि मेरा जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। वो इयान को बताती है कि मैं जब 11 साल की थी तब मेरी दादी के साथ फ्रांस आ गई थी। फिर इयान अपने बारे में बताता है कि मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, मैं जानवरों और इंसानी आंखों पर रिसर्च करता हूँ, और मैंने मेरी लाइफ में अब तक जितने भी आंखें देखी हैं उसमें से तुम्हारी आंखें बहुत यूनिक है। अब धीरे धीरे इयान और सोफ़ी में थोड़ी दोस्ती बढ़ने लगती हैं। ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जब एक दिन दोनों घूमने जाते हैं जहाँ सोफ़ी को एक सफ़ेद मोर दिखाई देता है। वो इयान को बताती है कि हिंदू संस्कृति में सफ़ेद मोर को आत्मा का प्रतीक माना जाता है। सोफ़ी थोड़ी आध्यात्मिक थी, वो माइथोलॉजी और भगवान में बिलीव करती थी, तो वो हर किसी चीज़ को आध्यात्मिकता के नज़रिए से देखती थी। जबकि इयान एक साइंटिस्ट होता है तो वो चीज़ों को फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे देखता है। इयान और सोफ़ी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इयान सोफ़ी को बताता है उस सफ़ेद मोर के बारे में कि इसकी कोशिकाओं में पिगमेंट और मेलानिन की कमी है, उसके कारण इसका रंग सफ़ेद है और कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इयान सोफ़ी के घर रहने आ जाता है। सोफ़ी के घर हिंदू भगवान गणेश जी की मूर्ति होती है, दीवार पर सफ़ेद मोर की तस्वीरें होती हैं। हालांकि इयान और सोफ़ी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन इयान सोफ़ी को शादी के लिए बोलता है और सोफ़ी शादी के लिए हाँ भी बोल देती है।
अगले दिन वो शादी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक आदमी उन्हें बताता है कि तुम्हें शादी करने से पहले लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए तुम दोनों को एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, तभी यान को उसकी लैब असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताती है कि हम जिस कीड़े पर काम कर रहे थे जिसके आँखें नहीं थी, अब वो उसको आँखें दे सकते हैं। वो यान को बताती है कि तुम्हारी थ्योरी एकदम सही थी। ये सुनकर यान बहुत खुश हो जाता है। फिर यान सोफ़ी को लेकर अपनी लैब जाता है। सोफ़ी लैब में आती है तो वो थोड़ी सैड हो जाती है। वो यान को बताती है कि तुम इन मासूम छोटे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हो, ये प्रकृति के खिलाफ है। सोफ़ी एक आध्यात्मिक लड़की होती है जो भगवान पर बहुत बिलीव करती है और ये सब देख के वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर भी यान उसे प्यार से मना लेता है और बातों ही बातों में गलती से यान की आंखों में एसिड चला जाता है। यान की असिस्टेंट आती है और यान की हेल्प करती है। यान की आंखें जलने लगती है तो कैरन उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है। इसके बाद यान और सोफ़ी घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो घर के लिए निकलते हैं और लिफ्ट में होते हैं तभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है और वो दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं। जैसे तैसे यान लिफ्ट से बाहर आ जाता है और सोफ़ी को भी बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सोफ़ी को लिफ्ट से बाहर खींचने की कोशिश करता है, वो लिफ्ट एकदम से नीचे आ जाती है और सोफ़ी की मौत हो जाती है। इस घटना से यान बहुत दुखी होता है। सोफ़ी ने एक बार यान से कहा था कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना और मेरा अंतिम संस्कार करना जैसा हिंदू धर्म में होता है। इसके बाद यान सोफ़ी के मौत के गम में अकेला रहने लगता है। एक दिन यान की असिस्टेंट कैरन यान के घर पर आती है और उस कीड़े के बारे में बताती है जिसको यान ने आंखें दी थी, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होता है। उसको सोफ़ी की याद आने लगती है। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ती है, जहाँ यान एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है क्योंकि उसने एक ऐसे कीड़े को आंखें दी थी जिसकी कभी आंखें थी ही नहीं। यान ने अपनी रिसर्च पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम होता है द कम्प्लीट आई। फिर हम देखते हैं कि यान और कैरन की शादी हो चुकी होती है और कैरन अब प्रेग्नेंट भी होती है। यान को अभी भी सोफ़ी की याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कैरन एक बच्चे को जन्म देती है। फिर डॉक्टर उस बच्चे की आंखों का आयरिस स्कैन करते हैं। जब वो आयरिस स्कैन करते हैं तो सिस्टम में एक सेम रिजल्ट आता है, किसी पॉल एडलर टेरी के नाम का। यान सोचता है कि दो लोगों का सेम बायोमेट्रिक कैसे हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स इसे सिस्टम के एरर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक दिन यान को उसी हॉस्पिटल से कॉल आता है और वहाँ की डॉक्टर बताती कि हमें तुम्हारे बेटे पर कुछ टेस्ट करने हैं। यान अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे एक रूम में रखा जाता है। वहाँ पर यान के बेटे को अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाती हैं और लास्ट में उसे दो औरतों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक अफ्रीकन लेडी होती है, जिसे देखकर यान का बेटा रोने लगता है। इस टेस्ट के बारे में डॉक्टर से यान को कुछ भी नहीं बताते। जब यान घर आता है तो वो पॉल एडलर डेरी के बारे में रिसर्च करता है। ये वही आदमी होता है जिससे यान की बेटे की आयरिस स्कैन मैच हुआ था। फिर दूसरे ही दिन यान पॉल एडलर की तलाश में पॉल के शहर ईडा हो जाता है। वहाँ पर एक डेयरी फार्म होता है, वही डेयरी फार्म जिसकी तस्वीरें डॉक्टर्स ने यान के बेटे को दिखाई थी। यान को वहाँ पर सब कुछ दिखता है जो कुछ उस टेस्ट में यान के बेटे को दिखाया गया था। यान उस लेडी से भी मिलता है जिसकी तस्वीरें देख के उसका बेटा रोने लगा था। ये लेडी पॉल एडलर की वाइफ होती है। पॉल एडलर की मौत पहले ही हो चुकी होती है। यान ये सब कुछ देख के शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। यान वापस घर आता है, वो बहुत कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए कैरन और उसके लैब पार्टनर से बात करता है। कैरन यान को बताती है कि जो हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ था वो टेस्ट आयरिस स्कैन से जुड़ा हुआ था। फिर कैनी, जो कि यान का 7 साल पहले लैब पार्टनर था, वो बताता है कि इस आयरिस बायोमेट्रिक मशीन का पैटर्न उसी की कंपनी के पास है, जिसका एक्सेस सिर्फ 5 लोगों के पास है और उन 5 लोगों में से वो डॉक्टर भी एक है। कैनी के पास भी उस सिस्टम का एक्सेस होता है तो वो भी किसी की भी आंखों का स्कैन कर सकता है। फिर यान कैनी को सोफ़ी की तस्वीर देता है और उसकी आंखों को स्कैन करने के लिए बोलता है। कैमी यान को बताता है कि ये आंखें सोफ़ी के नाम से ही रजिस्टर्ड है और 3 महीने पहले इन्हीं आंखों का दिल्ली इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है। यान ये देख के चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। यान की वाइफ बोलती है कि तुम्हें इंडिया जाना चाहिए, क्या पता सोफ़ी का उस लड़की से कोई पास्ट कनेक्शन हो। यान एक साइंटिस्ट होता है तो वो इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। फिर भी वो कैरन की बात मान लेता है और इंडिया चला जाता है। इंडिया में यान को वो लड़की मिल जाती है जो कि अनाथ होती है। यान उस लड़की को अपने होटल लेके जाता है, उस लड़की को उन चीज़ों की तस्वीरें बताता है जो सोफ़ी से जुड़ी हुई थी और आधी तस्वीरें ऐसी थी जिसका सोफ़ी से कोई कनेक्शन नहीं था। वो लड़की 50% उन तस्वीरों में से उन्हीं तस्वीरों को सेलेक्ट करती हैं जो सोफ़ी से रिलेटेड थी। यान को ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इससे सोफ़ी का कोई कनेक्शन नहीं है। यान को लगता है कि अगर इसका सोफ़ी से कोई कनेक्शन होता
तो ये उन्हीं तस्वीरों को सेलेक्ट करती जिसका कनेक्शन सोफी से है। जब इयान उस लड़की को वापस छोड़ने के लिए जाता है तो वो लड़की लिफ्ट को देख के बहुत डर जाती है, क्योंकि सोफी की डेथ भी लिफ्ट में ही हुई थी। फिर वो लड़की डर के रोने लगती है। वो लड़की इयान को पकड़ लेती है। इयान उसकी आंखों में देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो सोफी ही है और उसमें सोफी की ही आत्मा है। इस घटना के बाद इयान का माइंड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो कि साइंस और फैक्ट्स पर बिलीव करता था, अब उसे लगने लगता है कि साइंस भगवान से बड़ा नहीं है। वो अब भगवान पर विश्वास करने लग गया होता है। अब उसे समझ आता है कि सोफी अपनी जगह हमेशा सही थी। और फिर कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है।